भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सो हम पहुंच गए हैं कौसानी, जो कि नैनीताल से 116 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर आप व्यू देखो तो भाई लाजवाब है, ऑसम। वैसे फ्रंट कैमरा से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। यहाँ से आपको हिमालय दिख रहे हैं, पूरा बर्फ से ढके हुए हैं। सो ऑसम गाइज, जबरदस्त लग रहा है दिखने में। रोड्स तो वैसे बहुत ज़्यादा टूटे फूटे थे, बट यहाँ आके जो व्यूज़ देख के जो मज़ा आ रहा है, यू कैंट बिलीव इट, इट्स ऑसम। सो अभी हम होटल में पहुँच गए हैं, सो अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। फ्रेंड्स, हिमालय पूरा वाइट बर्फ में ढके हुए, वाओ इट्स सो ऑसम गाइस, ज़बरदस्त लग रहा है ये व्यू। और ठंड भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ठंड भी है। ये हो गया होटल का छत, सो यहाँ पे झूला भी है, व्यू देख के चाय के साथ एकदम व्यू देख के आप एंजॉय कर सकते हो झूला। बाकी यहाँ पे आप लंच डिनर भी व्यू देख के एंजॉय कर सकते हो, ब्रेकफास्ट भी गाइस। और इनके पास पार्किंग भी है जो कि ऊपर में है, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद में गाइस। द व्यू इज़ प्राइसलेस। सो ये था हमारा रिसेप्शन, अभी जा रहे हैं रूम की तरफ। बट गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, तो अपना सामान थोड़ा देख के रखिएगा और खुद भी देख के रहिएगा। सो गाइस हमारा रूम इसी तरफ से है, देखो ये रिसोर्ट कैसे है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी होस्ट भी यहाँ पे व्यू देख के झूले का एंजॉय लेते हुए। चलते हैं हम अपने रूम के तरफ जो कि यहीं पे है। सो गाइस ये है हमारा रूम, ये देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे रूम सर्विस और चाय नाश्ता सारे कुछ की सर्विस भी मिलती है, फोन है, एंड देन द टेबल, एंड देन यू गेट अ गीजर, गीजर भी है ताकि आप इस चिल ठंड में आराम से गर्म पानी से नहा पाओ। सो इट्स क्वाइट गुड होटल एट दिस रेंज ऑफ 2000। Hi friends, so very good morning in Kausani, and our hotel is Himalaya Mountain Hotel. So it was a quite coldest night we spent here at -2 degrees. It was a really awesome experience. काफी मजा आया, ठंड तो भाई साहब हालत खराब हो गई रात को। लास्ट में तो हेयर ड्रायर चला चला के हमें कंबल के अंदर गर्मी करनी पड़ी, इतनी ज्यादा ठंड थी। बट अभी सुबह में जो व्यू मिल रहा है यहाँ रूम से ही आप देख पाओगे, तो वो एकदम जबरदस्त व्यू है। सो अभी आपको दिखाते हैं। सो ये रहा गाइस सुबह का व्यू विद द ब्यूटीफुल हिमालयस। और क्या चाहिए, जब सुबह सुबह आप नींद से उठो और ऐसा व्यू मिले गरम गरम चाय के साथ, ऐसा व्यू तो भाई साहब क्या कहने, ऑसम। सो फ्रेंड्स अभी हम लगभग तैयार हो गए हैं, इसके बाद अभी हम निकलेंगे जो यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शंस है वो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर, और वहाँ पे कुछ लेक भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे। चलिए चलते हैं, तो मिलेंगे डायरेक्ट बैजनाथ टेम्पल पे हम नेक्स्ट। ओके गाइस, सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं बैजनाथ मंदिर, और अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। चलिए साथ में देखते हैं कैसा लगता है। साइड का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, पानी जा रहा है, पत्थर, वाओ इट्स ऑसम। सो ये हम एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड्स, दिस इज ग्रुप ऑफ टेंपल बैजनाथ। यहाँ पे साइड में एक बहुत सुंदर सा लेक भी है।
ये है टी ट्रीज, देख के पैर देख के स्लोपिंग स्लोपिंग है स्टेक्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ताजे ताजे चाय पत्तियां। कौन सा? अच्छा, ये तेज पत्ता का पेड़ फ्रेंड्स, जो कि हम डेली यूज करते हैं घर में। देखिए पूरा हरा भरा तेज पत्ता का पेड़। हाँ, इसको हम सुखा के यूज करते हैं घर में। वॉच योर स्टेप गाइस, देखिए पूरा स्लैंटिंग है यहाँ पे। नहीं, 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 बहुत ज्यादा स्लोपिंग है, डर लगता है कुछ, मतलब पकड़ने के लिए भी नहीं है। नाशपाती, ये नाशपाती का पेड़ है, ये अभी पूरा सूखा हुआ है इस वेदर में। सो गाइस, नीचे जाके भी यही है कि पूरा टी गार्डन आपको दिख रहा है यहीं से। ये पूरा ही आपका टी गार्डन है और आप सीन भी देख रहे हो कितना सुंदर आ रहा है। ऑसम, सो ब्यूटीफुल सीन एंड टी गार्डन गाइस। चले नीचे, पेड़ दिख रहा है, वो है लुकाट का पेड़ है। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें भी। सो गाइस, हमारा टी गार्डन चुका है, अब हम निकलेंगे अनाशक्ति आश्रम, जो कि कौसानी में ही है। सो आप लोगों को गाइस ये कौसानी का टी स्टेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, सुबह से निकले हैं, बहुत ज्यादा भूख लग गई है। पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे अनाशक्ति आश्रम। यस गाइस, सो और की फॉलोइंग लेट्स गो ट्रैवल डायरीज और मोर अपडेट्स। ओके लेट्स गो। दीवे पीटा वे। ये फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अनाशक्ति आश्रम। ये था इसका गेट, यहाँ पार्किंग भी है इनके यहाँ। सो चलते हैं अंदर। हमें पता नहीं था, हमने गाड़ी नीचे ही पार्क कर दी थी साइड करके, कि ऊपर शायद पार्किंग हो ना हो। ये यहाँ गांधी जी का स्टैचू, एक सुंदर सा। ये आश्रम पे भी आप देख पा रहे हो कितने अच्छे वुडन से काम किया गया है। और फ्रेंड्स व्यू देखिए यहाँ से, हिमालय फुल्ली क्लीन व्यू। सो गाइस, चलते हैं आश्रम के अंदर। ये जूते चप्पल बाहर ही उतर के आए प्लीज। यहाँ पे गांधी जी के पूरे लाइफ स्टोरी का फोटोज के साथ मेमोरीज रखा गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और इस आश्रम में आने के कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस।
पिक्स क्लिक करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म होती है हमारी कौसानी की ट्रिप। कौसानी की ट्रिप का टोटल बजट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ट्रैवल बाय कार 6000, होटल 2000, फूड 1000 पर डे। हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगी कौसानी, रियली इट्स अ जेम ऑफ उत्तराखंड। हम रुद्रधारी वाटरफॉल और रुद्रधारी महादेव मंदिर भी गए थे, जो कि कौसानी के आउटस्कर्ट्स में है। उसकी डिटेल ट्रिप आपको हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो अपलोड पर मिलेगी।